दोस्तों आपके अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल श्याम कला श्रृंखला में स्वागत है। मैं सुरेश कुमार एक बार फिर से आपके साथ। दोस्तों कल एक पेपर आपका हल करा दिया था ट्रेड थ्योरी का सेकंड ईयर का, आज ये दूसरा पेपर लेकर आ रहे हैं ट्रेड थ्योरी का। तो दोस्तों सभी क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण थे और जो आज का पेपर जो आपका 8 अप्रैल को पूछा गया पेपर है इसका पूरे का एनालिसिस कराएंगे। तो दोस्तों वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहना। अगर चैनल को पहली बार विजिट करे हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। अगर वीडियो आपको अच्छा लगी तो इसको लाइक करना और दोस्तों से अधिक से अधिक शेयर करना, क्योंकि दोस्तों इस चैनल के माध्यम से सभी प्रकार के ऑनलाइन पेपर हल कराया जा रहा है तथा सभी पेपरों का एनालिसिस कराया जा रहा है तथा इस चैनल के माध्यम से आपको IT की पल पल की अपडेट दी जाती है तथा टेक्निकल भर्तियों के लिए भी यहाँ पर ऑनलाइन क्लासें लगाई जाती है। तो ज़्यादा वक्त खराब ना करें, स्टार्ट करते हैं। और आपका पहला क्वेश्चन है, 3 फेज इंडक्शन मोटर में बेलॉक्स टेस्ट परीक्षण द्वारा किस हानि की पहचान की है। अब दोस्तों आपका ब्लॉक्ड टेस्ट होता, रोटर टेस्ट होता है, उसमें क्या होता है वहाँ पर हम कॉपर हानि जांच करते हैं। कॉपर हानि कैसे जांच करते हैं, यानी उसकी वार्निंग कॉपर की होती है और उसमें जैसे ही ब्लॉक यानी मोटर स्थिर होती है न तो फॉरवर्ड अवस्था में होती है न रिवर्स अवस्था में, तो उस टाइम पर हम वहाँ पर कॉपर हानि क्या देते, तो उसका करेक्ट आंसर आएगा डी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 3 फेज मोटर में प्राप्त होने वाली 2 परिवर्तनशील गतियों की गति नियंत्रण के लिए कौन सी पद्धति का प्रयोग करते हैं। तो बताओ दोस्तों, यानी आपकी 3 फेज इंडक्शन मोटर है जिसमें क्या होता है कि 3 फेज मोटर में प्राप्त होने वाली 2 परिवर्तनशील गतियों की गति नियंत्रण के लिए कौन सी पद्धति का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों बताओ कौन सी गति, यानी आपको मोटर की गति नियंत्रण के अंदर क्या करेंगे, तो उसमें क्या करेंगे स्टेटर पोल्स की संख्या बदल देंगे, यानी कुल मिला के अगर हम स्टेटर पोल की संख्या बदलेंगे तो मोटर की आपकी जो गति है वो क्या हो जाएगी नियंत्रित। आगे दूसरों के अंदर लगाई गई आवृत्ति बदल देंगे। दोस्तों इसमें ध्यान रखना आपके सूत्र ये होता है, एग्जाम्पल एफ बराबर होता है एन बराबर होता है P/N/120, ये होता है यानी इसमें होता है n बराबर f इंटू 120/P। तो यहाँ पर अगर हम पोलों की संख्या कम या ज़्यादा करेंगे तो उसकी स्पीड भी बदल सकती है। तो घूर्णन गति चेंज करने के लिए हमेशा ये दो चीज़ें हमेशा बदलनी चाहिए, ओनली पोल बदल देंगे तो इसकी स्पीड कम या ज़्यादा हो जाएगी। तो करेक्ट आंसर आएगा ये चैटर के पोल की संख्या बदल गया। अगला क्वेश्चन दोस्तों, स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर को वाउंड रोटर के साथ क्यों लगाया जाता है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, तो बताओ दोस्तों स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर को वाउंड रोटर के साथ क्यों लगाया जाता है। तो बताओ दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा, तो इसका उच्च प्रारंभिक और परिचालक बल के लिए, यानी स्टार्टिंग में आरंभिक बल और परिचालक बल अधिक हो इसीलिए हम वाउंड रोटर लगाते हैं। ठीक दोस्तों, तो इसका करेक्ट आंसर 1 नंबर। अगला क्वेश्चन है, कंट्रोल सर्किट द्वारा किस प्रचालन का प्रयोग किया जाता है। यानी क्वेश्चन दोस्तों है कि कंट्रोल सर्किट द्वारा किस प्रचालन को प्रयोग किया जाता है। अब चित्र अंग्रेजी प्रश्न प्रथम दिए, इन दोस्तों यहाँ पर इंग्लिश और हिंदी दोनों में पेपर है। तो अब दोस्तों यहाँ पर एक डायग्राम दिखाया गया है, वहाँ पर बताया तो आप 4 नंबर क्वेश्चन चलो और वहाँ पर देखो एक बार डायग्राम क्या है। तो दोस्तों देखो ये डायग्राम आपका यह है, क्या है डायग्राम आपका यह है, यहाँ पर क्या लगाया गया आपके L1 L2 दिए गए हैं। अब यहाँ पर आपके इस स्विच के द्वारा ऑन किया जाता है, इस स्टोव यानी बंद किया जाता है, इसके द्वारा स्टार्ट किया जाता है। अब यहाँ पर ये आपकी कैपेसिटर प्रतिरोध और ओवरलोड रिले लगाई जाती है, तो ये होता है जो इससे क्या कहते हैं हम, इसे जोंगिंग या इंचिंग कहते हैं। अब जोंगिंग या इंचिंग क्या होता है, तो दोस्तों ये होता है यानी मोटर को प्रारंभ करने से पहले यानी स्टार्ट करने से पहले जो टेस्ट किया जाता है उसे हम इंचिंग या जोंकिंग कहते हैं। इससे क्या होता है, इंचिंग इससे हम मोटर को फॉरवर्ड और रिवर्स अवस्था में चला के देखते हैं, जिससे उसमें जो कमी होती है जो दोष होता है वो दूर किया जा सकता है। तो मोटर को प्रारंभ करने से पहले जो टेस्ट किया जाता है उसे बोलते हैं इंचिंग या जोंकिंग। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका सी। तो इसलिए आपका ये क्वेश्चन हल हो चुका है। तो क्वेश्चन नंबर कितना था दोस्तों आपका, क्वेश्चन हो चुका 4 नंबर। अगला चलो, स्वचालित स्टार डेल्टा स्टार्टर में टाइमर का क्या कार्य है। तो बताओ दोस्तों एक आपका स्टार डेल्टा स्टार्टर होता है, स्वचालित स्टार्टर यानी स्वचालित यानी ऑटोमेटिक, तो स्टार्टर में टाइमर क्या है, तो इसमें होता है जो आपका टाइमर जो स्टार से डेल्टा के लिए बदलाव करता है उसे बोलते हैं टाइमर। तो इसका करेक्ट आंसर सी। अगला क्वेश्चन है, 3 फेज इंडक्शन मोटर के पृथक प्रतिरोध को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। अब दोस्तों अगर अलग से प्रतिरोध लगा है
यानी निम्न मान का प्रतिरोध है, तो उसे मापने के लिए हम संट प्रकार के ओम मीटर काम में लेते हैं। अब दोस्तों आपके ओम मीटर भी दो प्रकार के होते हैं, एक होता है संट, एक होता है सीरीज। तो आपका संट होता है निम्न मान का प्रतिरोध होता है, सीरीज होगा वो उच्च मान का प्रतिरोध होता है। तो इसका करेक्ट आंसर सी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, यदि भार के साथ चलने पर एक फेज को काट दिया जाए तो तीन फेज वाली इंडक्शन मोटर पर क्या प्रभाव पड़ेगा। आपको मालूम है मोटर भार के साथ चल रही है, अगर इनमें से एक फेज काट देंगे तो मोटर चलेगी तो चल तो रहेगी, लेकिन उसमें क्या आएगा, मोटर धीमी गति पर चलेगी लेकिन वार्निंग शीघ्र ही जल जाएगी। क्यों? क्योंकि एक फेज दोष होने के कारण मोटर की स्पीड कम हो जाएगी, और जैसे लोड भार बढ़ रहा है और एक फेज कम आ रहा है तो उसकी वार्निंग क्या हो जाएगी, शीघ्र ही जल जाएगी। तो करेक्ट आंसर बी। अगला क्वेश्चन है, यदि सिंगल फेजिंग परवेटर के साथ वाले स्टार्टर को चालू नहीं किया जाए तो कौन सा दोष उत्पन्न होगा। यानी अगर उसमें हम सिंगल फेज के साथ स्टार्टर को चालू नहीं किया जाए तो क्या होगा, तो अनुपयुक्त फेज क्रम होगा, यानी अनुपयुक्त यानी उसका बैलेंस फेज क्रम होगा। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, वार्निंग का नाम बताइए चित्र अंग्रेजी प्रश्न पत्र में लिखा हुआ है। यानी यहाँ पर इंग्लिश का क्वेश्चन देखो, वहाँ पर ये चार प्रकार की वार्निंग है, तो बताओ चित्र देख के बताओ तो ये कौन सा डायग्राम है। तो देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन में कौन सा डायग्राम है। तो चार नंबर क्वेश्चन ये था, हाँ दोस्तों ये रहा। तो बताओ दोस्तों ये डायग्राम किसका है। तो दोस्तों लगभग सभी को मालूम होगा, यह आपका बास्केटिंग वार्निंग। क्या है? बास्केट वार्निंग। तो करेक्ट आंसर डी। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, तो थोड़ा सा इनका भी ख्याल रखना दोस्तों। तो हो गए क्लियर। तो अब अगला क्वेश्चन देखो, तीन फेज वार्निंग में, तीन फेज मोटर में वार्निंग के बीच फेज क्रम विस्थापित किया जाता है। तो बताओ दोस्तों तीन फेज में कितना होता है। तो तीन फेज इंडक्शन मोटर पूछे तो वहाँ पर 120 डिग्री होता है, सिंगल फेज पूछे तो वहाँ पर 90 डिग्री होता है। ठीक है दोस्तों, तो करेक्ट आंसर इसमें डी आ रहा है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका, क्वेश्चन है यदि भार के साथ मोटर निम्न गति पर चलती है, एसी तीन फेज इंडक्शन मोटर में क्या त्रुटि है। यानी अगर भार है और मोटर निम्न गति के साथ उसमें दोष कौन सा होगा, तो स्टेटर वार्निंग में आंशिक शॉर्टेड है, यानी उसमें कुछ शॉर्ट सर्किट दोष है, इसी कारण मोटर निम्न गति के साथ चल रही है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, वाउंड रोटर के साथ किस सिंगल फेज मोटर को लगाया जाता है। तो दोस्तों वाउंड रोटर के साथ हमेशा रिपल्सन मोटर को लगाया जाता है। तो करेक्ट आंसर ए। अगला क्वेश्चन दोस्तों सभी क्वेश्चन महत्वपूर्ण, लगभग यहाँ से 8 से 10 क्वेश्चन जरूर एग्जाम में आएंगे। दोस्तों वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहना। अगला क्वेश्चन है, मोटर के चालू होने के बाद भी यदि अपकेंद्रीय स्विच को अलग ना किया जाए तो क्या प्रभाव पड़ेगा। तो बताओ दोस्तों अगर मोटर को चालू होने के बाद भी अगर अपकेंद्रीय स्विच को अलग ना किया जाए तो क्या प्रभाव पड़ेगा, तो मोटर आरंभिक वार्निंग जल जाएगी। यानी अगर आप केंद्रीय स्विच नहीं लगाएंगे तो उसकी प्रारंभिक वार्निंग यानी आरंभिक वार्निंग जल जाएगी। अगला क्वेश्चन है, प्रतिरोध के विषय में सिंगल फेज इंडक्शन मोटर की गति वार्निंग और आरंभिक वार्निंग के बीच में क्या संबंध है। तो दोस्तों हमेशा ध्यान रखना, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर की गति वार्निंग और आरंभिक वार्निंग होती है, उसमें क्या होती है, गति वार्निंग कम होती है और आरंभिक वार्निंग अधिक होती है। ठीक है दोस्तों, तो इसका करेक्ट आंसर सी। अगला क्वेश्चन है, सैंडेड पोल मोटर में चिन्हित भाग अक्ष का कार्य बताइए। अब ये आपको अंग्रेजी पत्र में देखना, प्रश्न पत्र में देखना होगा दोस्तों। तो चलते हैं 15 नंबर क्वेश्चन, देखते हैं क्या है 15 नंबर क्वेश्चन। तो 15 नंबर क्वेश्चन देखो दोस्तों, 15 नंबर क्वेश्चन ये रहा दोस्तों। तो बताओ दोस्तों ये आपका जो डायग्राम है और इसमें ये नीचे वाला अक्ष द्वारा पूछ रहा है, तो ये बताओ दोस्तों इसे क्या बोलते हैं दोस्तों। तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, तो बताओ दोस्तों देख के बताओ तो इसका करेक्ट आंसर क्या आएगा। तो चलते हैं और हिंदी में देखते हैं क्या नाम है इसका। तो इसे कहते हैं दोस्तों रोटर गति को प्रारंभ करना, यानी ये भाग है ये क्या करता है, रोटर गति को प्रारंभ करता है। तो करेक्ट आंसर बी। अगला क्वेश्चन है, कैपेसिटी स्टार्ट इंडक्शन मोटर की गुणन गति को किस प्रकार बताता है। यानी आपकी कैपेसिटी स्टार्ट इंडक्शन मोटर है, रन मोटर को गुणन गति किस प्रकार दें, तो मुख्य वार्निंग के टर्मिनल को आपस में बदल के क्या करेंगे, मुख्य वार्निंग के टर्मिनल को आपस में बदल के उसकी गुणन गति की दिशा को बदल देंगे। अगला क्वेश्चन है, कौन सी सिंगल फेज मोटर टेप्ड फील्ड कंट्रोल पद्धति का प्रयोग
में लाया जा सकता है। तो बताओ दोस्तों कौन सी मोटर लाया जाए, तो वो थी आपकी यूनस मोटरी, जिसमें हम क्या करते हैं फिर कंट्रोल पद्धति में प्रयोग करके इसकी गति को नियंत्रण कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, रिप्रेशन मोटर की गुणन गति को किस प्रकार प्रयुक्त किया जा सकता है। तो दोस्तों हमेशा यही एक आपकी सिंगल फेज मोटर है जिसकी स्पीड हम ओनली ब्रश अक्ष को शिफ्ट करके बता रहे हैं, यानी इसके ब्रशों को हम क्या करेंगे थोड़ा बदल कर ही इसकी स्पीड को हम कम ज़्यादा कर सकते हैं, यानी परिवर्तित कर सकते हैं। अदर आपकी मोटर होती है सिंगल फेज, इनमें क्या होता है स्टार्टिंग वार्निंग या रनिंग वार्निंग के सिरे परिवर्तित करके इसकी स्पीड हम गुणन गति चेंज कर सकते हैं। लेकिन आपकी रिप्रेशन मोटर है जिसके ब्रश अंश को हम थोड़ा सा शिफ्ट करके इसकी गुणन गति परिवर्तित कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, रेवोलेड मोटर की वार्निश करने से पूर्व वार्निंग को गर्म क्यों किया जाता है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, तो बताओ दोस्तों क्यों किया जाता है। तो इसमें क्या होता है, वार्निंग में से नमी बाहर निकालने के लिए मोटर को वार्निंग को वार्निश करने से पहले गर्म किया जाता है। करेक्ट आंसर इसका, तो इसका करेक्ट आंसर आएगा दोस्तों बी। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन दोस्तों, वार्निंग में किस परीक्षण को दर्शाया है चित्र में प्रश्न पत्र में देखिए। तो दोस्तों इसमें आप देखिए और क्या है क्वेश्चन नंबर 20, तो इसका करेक्ट आंसर देखिए क्वेश्चन नंबर 20 दोस्तों, ये डायग्राम है। तो बताओ दोस्तों इसमें क्या पूछ रहा है आपको, तो इसमें आपको जो जांच कर रहा है तो ये कर रहा है आपकी पोलरिटी टेस्ट। क्या कर रहा है, पोलरिटी टेस्ट, यानी इसका फेज क्रम की जांच कर रहा है। क्या कर रहा है, फेज क्रम की जांच कर रहा है। तो अगला क्वेश्चन देखो, यानी इसका करेक्ट आंसर क्या आएगा डी, तो ये आपका करेक्ट आंसर डी आ गया इसका। अगला क्वेश्चन है, अल्टरनेटर में 30 डिग्री कोण के साथ 4 पोल 36 स्टेटर के साथ वाली वार्निंग के लिए पिच कारक के पी की गणना कीजिए। दोस्तों उसकी पी की गणना करने के लिए आप गणना करोगे तो सूत्र लगा देना और यहाँ पर 0.965 आएगा इसका। एग्जांपल इस सूत्र से हल हो गया दोस्तों, ये एक बार आप जरूर देख लेना, अगर समझ में आया तो आप कमेंट में जरूर बताना, हम इसका जरूर सही करके बताएंगे। अगला है, अल्टरनेटर के समांतर प्रचालन में पहले किस परिस्थिति की संतुष्टि करना आवश्यक है। तो हमेशा अल्टरनेटर को समांतर क्रम में चलाने के लिए क्या करेंगे दोस्तों, सबसे पहले फेज क्रम बराबर होने चाहिए, फिर रेटिंग समान होनी चाहिए, रोटर प्रतिबाधा समान होनी चाहिए, स्टेटर प्रतिरोध बाधा समान होनी चाहिए। दोस्तों लगभग ये सभी चीज़ें हैं, लेकिन यहाँ पर अगर ये देता कि उपरोक्त सभी तो ये सही था, लेकिन इसमें एकदम सही संतुष्ट पर आंसर आएगा इसका, फेज क्रम बराबर होने चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो करेक्ट आंसर ए। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अल्टरनेटर को खालिस्तान द्वारा रेट किया जाता है, यानी अल्टरनेटर की रेटिंग किसमें व्यक्त की जाती है, तो होती है केवीए। अगर आपको ट्रांसफार्मर की तो वो भी केवीए में होती है, अगर आपको जनरेटर की पूछे तो वो केडब्ल्यू में होती है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अल्टरनेटर में हंटिंग प्रभाव किसके कारण होता है। तो बताओ दोस्तों अल्टरनेटर में हंटिंग प्रभाव, तो भार में निरंतर होने वाले बदलाव के कारण ही उसमें हमेशा हंटिंग दोष उत्पन्न होता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अल्टरनेटर में वोल्टेज कंट्रोल प्रतिशत की गणना के लिए निम्न में से किस सूत्र, यानी कुल मिला के पूछ रहा आपको वोल्टेज रेगुलेशन ज्ञात करने के लिए किस सूत्र को द्वारा हल करते हैं। तो दोस्तों वो होता है आपका VNL - VFL / VFL -100, यानी नो लोड अवस्था से माइनस फुल लोड अवस्था बटा फुल लोड अवस्था -100, तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी। अगला क्वेश्चन है, एक समकालीन मोटर को चलाने के लिए उत्तेजित की आवश्यकता क्यों होती है, यानी उत्तेजित करने वाली की आवश्यकता, तो इसका करेक्ट आंसर आएगा डी, यानी मोटर को समकालीन गति पर चलाने के लिए उत्तेजक की आवश्यकता। और उत्तेजक कौन सा होता है, यह आपका संट जनरेटर होता है जो लगभग 110 वोल्ट से 220 वोल्ट के मध्य होता है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, समकालीन मोटर को समकालीन कंडेंसर की तरह किस प्रकार प्रयोग में लाया जा सकता है। तो रोटर को उत्तेजक को बदल कर ही इसको काम में लिया जा सकता है, करेक्ट आंसर बी। अगला क्वेश्चन है, समकालीन मोटर में डैम्पर वार्निंग का क्या कार्य है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, तो डैम्पर वार्निंग क्यों करते हैं, तो ये होती है समकालीन मोटर को चलाने के लिए, और कैसे चलाएंगे, जैसे इसमें हंटिंग दोष दूर हो जाएगा, यानी डैम्पर वार्निंग होते हैं, हंटिंग दोष को दूर करने के लिए हम डैम्पिंग वार्निंग करते हैं, तो समकालीन मोटर को चलाने के लिए हमेशा हम डैम्पर वार्निंग करते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किस कन्वर्टर की क्षमता उच्च होती है। तो बताओ दोस्तों किसकी होती है, तो होती है दोस्तों आपके SCR की, यानी आपका SCR कन्वर्टर होता है, ये क्या होता है
लगभग 100 एम्पियर को एसी को डीसी में चेंज करता है तो इसकी क्षमता लगभग सबसे अधिक होती है। अगला क्वेश्चन है डीसी जनरेटर में पोल शू का क्या उद्देश्य है? तो दोस्तों इसमें क्या होता है, पोल की अपेक्षा पोल शू का आकार अधिक होता है तो उसका चुंबकीय क्षेत्र अधिक पैदा होता है। तो उसका करेक्ट आंसर आएगा वायु अंतराल में फ्लक्स एक रूपता फैलाता है, यानी उसकी फ्लक्स की एक रूपता फैलाती है यानी अधिकता फैलाता है, इसी कारण हम पोल शू काम में लेते हैं। पोल शू का उद्देश्य ये है कि वायु अंतराल में भी फ्लक्स एक रूपता को फैलाए रखता है। तो करेक्ट आंसर सी। अगला क्वेश्चन है डीसी जनरेटर में सिलपट का क्या उद्देश्य है? तो दोस्तों आपकी सिलपट होती है, एक स्लिपरिंग होती है, एक कम्यूटेटर होता है, तो इसमें इसका करेक्ट आंसर है स्थिर वोल्टेज को बनाए रखने के लिए हम सिलपट काम में लेते हैं। तो करेक्ट आंसर ए। अगला क्वेश्चन है जनरेटर द्वारा किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है? तो जनरेटर द्वारा दोस्तों हमेशा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। अगर सेल पूछे तो सेल क्या करता है, ये विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, बल्कि आपकी जो उष्मा ये क्या करता है आपका लैंप या हीटर उष्मा ऊर्जा पैदा करता है। अगला क्वेश्चन है जनरेटर में ब्रश के निर्माण के लिए किस वस्तु की आवश्यकता होती है? तो ये तो लगभग सबको मालूम होगा कि जनरेटर का जो ब्रश होता है ये कार्बन व ग्रेफाइट के मिश्रण से बना होता है। अगला क्वेश्चन है डीसी जनरेटर अपना अवशिष्ट चुंबकत्व क्यों खो देता है? तो वह खो देता है यानी अक्सर गुणांक की दिशा बदल जाने के कारण वह अपनी अवशिष्ट चुंबकत्व खो देता है। अगला क्वेश्चन है जनरेटर में योक और पोल के द्वारा चुंबकीय सर्किट किस प्रकार का होता है? तो जनरेटर में योक और पोल के द्वारा चुंबकीय सर्किट हमेशा आर्मेचर कोर होता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों यदि डीसी संट जनरेटर में भार को बढ़ाया जाता है तो टर्मिनल वोल्टेज घटता है, तो क्यों घटता है? क्योंकि दोस्तों उसमें आर्मेचर अभिक्रिया प्रभाव के कारण उसमें क्या हो जाता है, वोल्टेज टर्मिनल घट जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों डीसी जनरेटर के किस प्रकार का प्रयोग लंबी दूरी की रेखाओं के विभाजन के लिए किया जाता है? तो वो होता है आपका संचयी यौगिक जनरेटर यानी कम्युनिटी यौगिक जनरेटर। अगला क्वेश्चन है बड़े डीसी जनरेटर में आर्मेचर अभिक्रिया के प्रभाव को किस प्रकार न्यूट्रलाइज किया जा सकता है? तो वो दोस्तों हमेशा कंपेंसेटिंग वाइंडिंग प्रयोग करके ही इसको दूर किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है डीसी जनरेटर में पृथक प्रतिरोध में सुधार लाने के लिए किस पद्धति का प्रयोग किया जाता है? तो उसे हमें तो आपका डीसी जनरेटर है उसमें पृथक प्रतिरोध में सुधार लाने के लिए हम किस पद्धति, तो उसमें रख रखाव के दौरान मशीन गर्म हवा फूंकता है तो इसका प्रयोग तभी किया जाता है। अगला है विविध भार के अंतर्गत स्थिर गति पर किस डीसी कंपाउंड मोटर का प्रचलन किया जाता है? तो दोस्तों हमेशा विविध भार के अंतर्गत स्थिर गति प्राप्त होने हम कम्युलेटिव लॉन्ग शंट मोटर काम में लेते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों डीसी शंट मोटर के साथ वाली थ्री पॉइंट स्टार्टर में भी कोयल कैसे जुड़ी होती है? तो शंट फील्ड के साथ हमेशा साथ में जुड़ी होती है यानी श्रेणी में श्रृंखला में जुड़ी होती है। तो करेक्ट आंसर सी। अगले क्वेश्चन है डीसी स्टार्टर में आरंभ में किस वस्तु का उपयोग किया जाता है यानी प्रतिरोध किसका बनाता है? तो ये लगभग सबको मालूम है यानी यूरिया का तार का प्रतिरोध बनाता है स्टार्टर में। आगे आपके ये ऑप्शन है तो मैग्नीन भी होता है जो इसका प्रतिरोधक बनाता है, नाइक्रोम आपका हीटर का एलिमेंट होता है। अगला क्वेश्चन है डीसी मोटर की गति नियंत्रण पद्धति का नाम बताइए। तो डीसी मोटर की गति नियंत्रण की विधि है आपकी डीसी मोटर की गति नियंत्रण है आर्मेचर डाइवर्टर पद्धति। करेक्ट आंसर ए। अगला क्वेश्चन है कम्यूटेटर में भारी स्पार्किंग क्यों होती है? तो दोस्तों स्पार्किंग क्यों होती है, तो ब्रश की गलत स्थिति या डिजाइनिंग के कारण उसकी स्पार्किंग अधिक होती है। तो करेक्ट आंसर सी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों डीसी फील्ड कोयल के लिए किस वार्निंग वायर की आवश्यकता होती है? तो दोस्तों हमेशा डीसी मोटर में अगर हमें वार्निंग नहीं तो उसके लिए हम सुपर इनेबल्ड कॉपर वायर काम लेते। तो करेक्ट आंसर ए। अगला क्वेश्चन है किस प्रकार की आर्मेचर वार्निंग को दर्शाया है, यानी किस प्रकार की आर्मेचर वार्निंग दर्शाई गई है चित्र में? तो दोस्तों देखते हैं 46 नंबर क्वेश्चन है और इसमें देखते हैं कौन सी वार्निंग दर्शाई गई है। 46 नंबर क्वेश्चन देखो दोस्तों, तो दोस्तों 46 नंबर क्वेश्चन ये है, तो बताओ दोस्तों ये कौन सी वार्निंग है? तो मेरे हिसाब से ये आपकी डुप्लेक्स लेप वार्निंग है। क्या है डुप्लेक्स लेप वार्निंग? क्या है डुप्लेक्स लेप वार्निंग? 48।
तो दोस्तों एकदम, एक मिनट दोस्तों, कौन सा क्वेश्चन था? हाँ 46 क्वेश्चन था। तो उसमें आपका यह है डुप्लेक्स लेफ्ट वार्निंग थी दोस्तों। तो दोस्तों देखो एक बार मैं क्लियर कर देता हूँ, अगर आपको एक तो होती है लेफ्ट वार्निंग, एक होती है वेव वार्निंग। अगर वेव पूछे तो वेव में दोस्तों इस प्रकार होता है, किस प्रकार? इस प्रकार। ये तो हो गई आपकी लेप, और जो डायग्राम में दर्शाई गई थी वो दूसरी वाली, वो हो गई आपकी लेप, और उसमें डुप्लेक्स है तो उसमें वो हो गई डुप्लेक्स। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका, आर्मेचर के संबंध में किस ग्रोवेलर परीक्षण को दर्शाया गया है अंग्रेजी में? तो दोस्तों वो आपका क्या था, आर्मेचर सा है, तो उसके द्वारा क्या गया, उसका ओपन कोयल सर्किट टेस्ट किया जाता है, अभी आपने देखा होगा लगभग। तो ये हो गया आपका ओपन कोयल परीक्षण। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका, डीसी मोटर में सामान्य से अधिक सामान्य से कम दोनों गति निकालने के लिए किस गति नियंत्रण पद्धति? तो ये तो लगभग सबको मालूम होगा कि आपके वार्ड लियोनार्ड गति नियंत्रण पद्धति है, जिसमें हम सामान्य से अधिक या सामान्य से कम गति प्राप्त करने के लिए इसे का प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, तीन फेज वाली मोटर में रोटर ब्रश को हल्की तिरछी अवस्था में क्यों लगाया जाता है? क्योंकि अधिक एक समान फील्ड और बल उत्पन्न करने के लिए। तो करेक्ट आंसर सी। तो लास्ट क्वेश्चन है आपका, एक सी तीन फेज इंडक्शन मोटर के स्लिप प्रतिशत की गणना के लिए निम्न में से किस सूत्र का प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों हमेशा सबको मालूम होगा कि स्लिप हमेशा प्रतिशत में व्यक्त की जाती है, तो इसमें होगा एन एस माइनस एन आर बटा एन एस इंटू सो, यानी स्टेटर की गति माइनस रोटर की गति बटा स्टेटर की गति इंटू सो। तो करेक्ट आंसर बी। तो दोस्तों आपने इस पेपर में एक चीज़ नोट की होगी, यानी इसमें एसी इंडक्शन मोटर और आपका जनरेटर या डीसी मोटर, इनमें से लगभग पूरे क्वेश्चन यहीं से पूछे गए हैं। तो आप इन दो लेसनों की अच्छे से तैयारी करके जाइए, काफ़ी महत्वपूर्ण है ये लेसन आपके लिए। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, आपका अपना कीमती समय देने के लिए तहे दिल से धन्यवाद।